हेलो दोस्त, आज मैं आपको विलोपन विधि से समीकरण बनाने का तरीका बताऊंगा कि विलोपन विधि से हम लोग समीकरण को कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा विलोपन विधि से हल करने के लिए, दो इक्वेशन देता है, इसमें प्रथम को हम समीकरण एक मान लेते हैं और द्वितीय को समीकरण हम सेकेंड मानते हैं। ठीक है, बनाते समय इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बराबर करते हैं। आप इसे भी बराबर कर सकते हैं, इसे भी बराबर कर सकते हैं। बराबर के मतलब क्या, दोनों में डिजिट समान होना चाहिए और जो अचर पद है वाई वाई चाहे एक्स एक्स ये भी समान होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको बराबर करना चाहते हैं तो सिर्फ दो से ऊपर गुणा करेंगे तब बराबर हो जाएगा। कहीं इस स्थिति में हमको बराबर पता नहीं चलेगा कि किस संख्या से हम गुणा करेंगे तब बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो संख्या लगा रहेगा ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर जो संख्या लगा रहेगा वो हम नीचे गुणा करेंगे। हम इसको भी बराबर करके बना सकते हैं, इसे भी बराबर करके हम बना सकते हैं। अगर इसे बराबर करना चाहते हैं तो तीन से आपको ऊपर गुना करना होगा और दो से नीचे गुना करना होगा। तीन से ऊपर गुना कीजिएगा तब तीन छह होगा, नीचे दो से गुना कीजिएगा तब दो क्या होगा छह होगा। तो दोनों में से किसी को बराबर करके हम क्या करेंगे बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करके बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, के साथ दो दिया हुआ है, तो दो से ऊपर क्या करेंगे हम गुना करेंगे। जब दो से गुना करेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ एक अंक में ही गुना करेंगे, जिसको हमको बराबर करना से उसी में गुना नहीं करेंगे। इसमें जितना भी संख्या रहता है सब में हम क्या करते हैं गुना करते हैं। तो दो से हम गुना करेंगे, दो गुना कितना हो जाएगा चार, एक से तब एक, दो में वाई से तब क्या रहेगा दो वाई, फिर पांच में हम दो से गुना करेंगे तब पांच गुना क्या हो जाएगा मेरा दस हो जाएगा, और नीचे है थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर कितना है आठ, मेरा बराबर हो गया। पहले समीकरण बनाने के लिए विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सर्वप्रथम को बराबर करना होगा। ठीक है, जैसे एक में गुना किया तो बराबर हो गया। अगर आपको पता ना चलेगा तो क्या कीजिएगा, नीचा जो संख्या लगा रहेगा ऊपर गुना कर दीजिएगा, ऊपर जो संख्या रहेगा नीचा गुना कर दीजिएगा, ऑलरेडी वो बराबर हो जाएगा। जब बराबर कर देंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं। चिन्ह किसको देखते हैं, तो जिसको हम बराबर करेंगे उसके पहले का चिन्ह देखेंगे। अगर दोनों में समान रहेगा प्लस प्लस, ठीक है, या रहेगा माइनस माइनस, तो एक हटाने पर होता है। ये किस चीज पर होगा, घटाने पर होगा। जब प्लस प्लस और माइनस माइनस रहेगा तो घटाने पर होगा। अगर कहीं एगो में प्लस है नीचा वाला में माइनस है, या ऊपर माइनस है नीचा प्लस है, तो ये जोड़ने पर होता है। किस पर होता है, जोड़ने पर होता है। ठीक है, घटाने पर कब होगा, जब दोनों में समान प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा तो किस पर होगा, घटाने पर होगा। तो जब हम घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं, हम लोग बदलते हैं। चिन्ह को हम क्या करते हैं, बदलते हैं। चिन्ह को कब बदलते हैं, जब मतलब घटाने पर लिखेंगे तब, और जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो दोनों में क्या है, प्लस प्लस है, तो दोनों में जब समान चिन्ह रहेगा तो क्या करने पर होगा, घटाने पर होगा। तो घटाने पर लिखेंगे, जब घटाने पर लिखेंगे तो प्लस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये भी प्लस है तो माइनस होगा, ये भी प्लस है तो माइनस होगा। अगर माइनस है तो क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। ठीक है, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस कब लिखेंगे, जब घटाने पर आएगा तब। घटाने पर कब लिखते हैं, तो जिसको बराबर करेंगे उसके दोनों चिन्ह कहीं समान रहा, माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस, तो किस पे होगा, घटाने पर। जोड़ने कब कब लिखते हैं, जब एक में प्लस एक में माइनस चाहे एक में माइनस एक में प्लस रहता है, तो जोड़ने पर होता है, घटाने पर हो जाएगा। अब घटाने पर लिखे प्लस माइनस है, अंक समान है, उसको काट दीजिए तो इससे ही कट जाएगा। इधर चार एक्स और माइनस क्या जाएगा थ्री एक्स, यानी आपका हो जाएगा दस और माइनस क्या हो जाएगा आठ। ठीक है, चार एक्स में से तीन एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल एक्स, एक नहीं लिखेंगे तो एक्स, और दस में से आ जाएगा क्या बचेगा दो। ठीक है, एस का मान, अब एस का मान समीकरण एक में भी रख सकते हैं, समीकरण दो में भी रख सकते हैं, वाई का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे एस का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक है टू एक्स प्लस वाई बराबर क्या पांच, तो एस का मान क्या है टू है, यहां डालिए दो गुने दो प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा पांच। ठीक है, दो में दो से गुना करेंगे, दो गुना क्या हो जाएगा चार, प्लस क्या है वाई, तो प्लस वाई बराबर क्या पांच। अब चार प्लस ले आया तो क्या रहेगा माइनस में, तो वाई बराबर पांच माइनस चार, तो पांच से चार रहेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अतः एस का मान क्या आ जाएगा
दो आया है और वाई का मान क्या आ गया एक, ये आपका क्या आ जाएगा विलोपन विधि।